राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा जी जब से कांग्रेस की सरकार गई है तब से उछल कूद कर रहे हैं। ये वो दिन भूल गए जब मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रदेश के सम्मानित शिक्षकों से पूछा कि तबादलों में शिक्षावाद में नोट तो नहीं चल रहे, तो सबने एक स्वर में कहा जोर से चल रहे, यानी गोविंद सिंह डोडासरा जी को इनडायरेक्ट में भ्रष्ट कहा। और ऐसे भ्रष्ट लोग अब बहुत उछल कूद कर रहे हैं, ये भी भूल गई है तो आला कमान इनके प्रतिनिधि आए थे, इसको दूध कहा जा सकता है, उनकी भी बात को नकारा, नकार के अलग से भी टिक की। और जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लोग परेशान थे, तब ये जाकर के जैसलमेर साइड के होटलों में डांस कर रहे थे, मजे ले रहे थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा करते हैं ये बिल्कुल मिथ्या है। माननीय भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी निरंतर सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं और सब वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं। मैं समझता हूँ श्रेष्ठ मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी कहना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। गोविंद सिंह डोडासरा जी हम जनकल्याण के काम करने काम करते हैं, राजस्थान के लिए काम करते हैं, हम आपकी तरह शिक्षकों से तबादलों में नोट तो नहीं लेते हैं।